वियतनाम को ब्रह्मोस प्राप्त होगा जो कि विश्व के सबसे प्रभावी और घातक एंटीशिप मिसाइलों में से एक माना जाता है, जिसमें गति 2.8 सेकंड 3.0 तक पहुंच गई है। एक फेसबुक पोस्ट में हुवा इंस्टीट्यूशन फेलो और जियोट्रैक्टी डायरेक्ट कॉन्टेडरस मोकुन माइल्स यू ने कहा, चीन के विश्वव्यापी हथियारों के निर्यात का लगभग आधा भारत के लिए प्राथमिक कारण के लिए एक देश पाकिस्तान जाता है। अब भारत एक ही खेल खेल रहा है जो चीन के कट्टर दुश्मन वियतनाम में से एक है। रूस, जो भारत के साथ ब्रह्मोस को सह उत्पादन करता है, ने कहा है कि उन्होंने बिक्री पर अनुमोदन की मंजूरी दे दी है। रक्षा उड्डयन के संस्थापक लार्किंस डिसूजा ने कहा, चीनी सरकार को अपने नौसेना के लिए मिसाइल मिलाने के बारे में विवादित होने के बारे में प्रमुख आपत्तियां हैं। चीन ने दक्षिण चीन सागर विवाद में संघर्ष और हस्तक्षेप के कार्य के रूप में भारत को वियतनाम को ब्रह्मोस बेचने को देखा। लेकिन डिसूजा ने कहा, चीन इस तथ्य को अनदेखा करता है कि वह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा हथियार बेचता है जो एक दशक से भारत के साथ गड़बड़ी में रहा है। सभी संकेत अब इस बात को इंगित करते हैं कि नई दिल्ली ने चीन के बारे में अपने आरक्षण और डर को दूर किया है। ब्रह्मोस को पनडुब्बियों, जहाजों, विमान या भूमि से लॉन्च किया जा सकता है। इसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और रूस के NPO माशिनोस्ट्रोइनिया द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। कहा जाता है कि वियतनाम अपनी किलोज श्रेणी की पनडुब्बियों में मिसाइल का इस्तेमाल करने की तलाश में है। मिसाइल रूसी P-800 क्रूज मिसाइल और अन्य इसी तरह की समुद्र स्कीमिंग रूसी क्रूज मिसाइल प्रौद्योगिकी पर बहुत अधिक निर्भर है, डिसूजा ने कहा। मिसाइल का एक हाइपरसोनिक संस्करण ब्रह्मोस 2 वर्तमान में Mach 7 की गति के साथ विकास में है। इस वर्ष कुछ समय के परीक्षण के लिए तैयार हो सकता है, डिसूजा ने कहा। इस बीच जापान और भारत अमेरिका के साथ सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए तैयार हैं, अपने त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की संभावना के साथ, डिसूजा ने कहा। विशाल प्रशांत और भारतीय महासागरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह जापान, भारत और US के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जापान ने सुझाव दिया है कि तीन देशों ने नियमित उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित करना शुरू कर दिया है और भारतीय रक्षा मंत्री इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। उद्धरण चिन्ह।